आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और आज हम लोग क्या लाए हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और आज हम लोग बनाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मछली लाए हैं ताजा ताजा अभी नदी से। हम आपको बोल रहे थे ना, जैसे कि शाम को यहाँ पे मछली मारने जाता है, वो लोग से पूरा ताजा ताजा मछली मिल जाता है बोल के, तो वहीं से लेके आए इस वाला, ये वाला मछली को। तो है 7-8 जैसे हैं, तो इसको हम लोग अभी चलिए बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं गाइस। तो चलिए इसको, इसका ये रहेगा काती, इसको छीलना पड़ता है, तो इसको ऐसे करके छील देंगे। आप लोग देख सकते होंगे ऐसे, और ये मछली जो है दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसको इसको काट देंगे, ये देख रहे हैं बाबा, इसको काट के हटा देंगे। और इसको यहां से थोड़ा सा मुंडी से साइड में ऐसे करके इसको काट देंगे, और इसका जो भी ये सबको निकाल देंगे। हम लोग तो पोटा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जो। और इसको थोड़ा ये वाला भूल गए हैं, इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे काट देंगे। ये देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही सबको काटते हैं। खत्म हो गया है, तो इसको अभी हम लोग धुलाई करेंगे, धोएंगे सब चीज, सबको काट के खत्म कर दिए हैं छील के। गंदा है ना वो। तो चलिए इसको धोते हैं गैस, ठीक है। इसका पूंछ पूरा काट दिए। पूरा धो के खत्म कर दिए हैं। इसको हम लोग अभी नमक, अरे ज्यादा नहीं, नमक और नमक समक करेंगे। इसको धो के पूरा साफ कर दिए हैं दोस्तों, देखिए बढ़िया से। ये देखिए, ये है हल्दी, ये है नमक। मेरा 3 ठो है, सबका 3-3 ठो आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें अभी अभी हल्दी ऐड करेंगे। चलिए ये हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको अभी हम लोग फ्राई करने के लिए चलते हैं, तो चलिए फ्राई करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किरण क्या करिए, क्योंकि आज हम लोग लकड़ी चूल्हा बना रहे हैं,
बाहर में, गैस घर का खत्म बाहर होने में, वाला है, क्योंकि गैस खत्म होने वाला है, जलाने भी नहीं जान रही है। इसलिए लकड़ी जला रही है। कैसे चूल्हा तो देखिए कैसे बना रही है, ऐसे में तो और रहेगा ही नहीं। अच्छा से बना, ये देखिए गैस कैसे बना रही है। मड़ा के देख इसको, यहाँ पर और एक थोले रहता तो अच्छा है। पत्थर लाओ यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग लकड़ी चूल्हा बनाए हैं। उस दिन है जो लकड़ी लकड़ी काटे थे जलाने, वही लकड़ी से अभी सब्जी बनाएंगे मछली को। तो देखिए कैसे बनाई है चूल्हा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग चूल्हा को थोड़ा सा बढ़िया से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली हम लोग लकड़ी के चूल्हा बना चुके हैं और ये आग पकड़ लिया है। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग फ्राई करेंगे मछली। तो चलिए गैस फ्राई करते हैं। दे लगा आराम से। तो देख सकते हैं कैसे चूल्हा बन गया है और मस्त रह गया, अभी कुछ नहीं होगा, ये गिरेगा भी नहीं। तो गैस चलिए देखिए कैसे फ्राई करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तवा पूरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब तेल डाला जा रहा है। आप देखिए मस्त लकड़ी चूल्हा बनाया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हाथ से ही खाना पीना बनाना, गैस में यूज नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मस्त बनाया है ना। कमेंट करके बताइएगा हम लोग का चूल्हा कैसा है। इट्टा का चूल्हा। अभी फ्राई करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे फ्राई करके फ्राई हो गया है, निकाल रहे हैं। तो देखिए पूरा कितना सुंदर दिख रहा है ना, पूरा लाल लाल पूरा फ्राई हो गया है। इसको निकाल लिए किधर, और ऐसे ही सबको हम लोग फ्राई कर देते हैं चलिए फटाफट। उसके बाद इसको सब्जी बनाएंगे और पूरा प्रोसेस आप आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, पूरा लाल लाल पूरा, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सामने से। ये देखिए दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए हम ऐसे ही सब चीज सब मछली कर देते हैं। ए पापा तो बूढ़ी जैसे बैठ गए हैं। ये लास्ट पे गए, दो दो चूहे बचा है। और ये देखिए जो फ्राई किए हैं कैसे कितना सुंदर दिख रहा है। आप लोग देखिए पूरा लाल 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 दिख रहा है। पकौड़ा बन चुका है। ये लास्ट है, हम आपको दिखाते हैं सबको फ्राई कर दिए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ्राई ख़त्म हो गया है, ये दो ही बच्चा है। इसको अभी हो गया है, ये निकाल देंगे। ये देखिए कितना मस्त हो हुआ है। और ये देखिए इधर किरण खाते खा रही है, ये दोनों खा रहा है। ये बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। हे भगवान, फ्राई ये ख़त्म कर देगा तो कैसे सब्जी खाएंगे। तो दोस्तों इसको निकालते हैं फिर फटाफट सब्जी बनाते हैं। चलिए दोस्तों फ्राई तो ख़त्म हो गया है, एक ही ठू बच्चा है, लेकिन इसके लिए जो मसाला उसला क्या क्या लगेगा हम आपको दिखाने वाले हैं। तो किरण छीलने वाली है, हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए उसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद में किरण का तरफ दिखाते हैं, फिर आते हैं। चलिए गाइस दोस्तों मैं किचन में आ गया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो प्याज मिर्चा अदरक लहसुन प्याज जो भी हम लोग अभी मसाला बनाने हैं मछली के लिए, उसी को हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं और इसको ग्राइंडिंग करेंगे अभी। तो किचन में ग्राइंडर है इसीलिए हम किचन में आए हैं और इसको लेके आए हैं। बेबी खेल रही है, मत खेलना बेटा। अरे हाँ चलिए इसको हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ ग्राइंडर है, तो इसमें हम लोग पीसने वाला है मसाला। तो
चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये देख ग्राइंडर, अभी इसको हम लोग पीसेंगे। दे डालो सबको और पानी में मिक्स कर सबको डाल। हाँ पहले धो लेगी क्या? अच्छा, अरे आप भी ना हाथ हटा, आप ऐसा क्यों कर रहे? मम्मी को छोड़ कर इन्हें दे। आप लोग देख सकते हैं धो के उसको, उसका जो मसाला पीसने वाला जो जार होता है उसमें डाल दे रही किरण। उसके बाद अभी इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंडिंग करेगी। तो चलिए हम आपको मसाला मतलब कैसे बन जाता है उसको भी हम आपको दिखाएंगे, और क्या क्या डाल रही है जो क्या है ये। ओह जीरा है, जीरा डाल दिया। और क्या डालेगी? बस आप लोग देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ मिलाया नहीं है, और मसाला तो ऐड नहीं करते हम लोग क्योंकि मसाला अच्छा नहीं लगता है। पानी ऐड कर दी, अभी ग्राइंडिंग करेगी। देखिए देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मसाला रेडी हो गया है। तो चलिए गैस फटाफट बनाते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, चलिए चलते हैं। बनाने से पहले सरसों का तेल डालते हैं कढ़ाई में। अब देखिए बनाते हैं इसको। देख सकते हैं दोस्तों मसाला भुना गया है। अभी हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए टमाटर ऐड हो गया है, फिर इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी बनाते हैं। चलिए इसको हम आपको पूरा प्रोसेस आज दिखाने वाले हैं कि मछली हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसको थोड़ा ढक देते हैं, सीखने देते हैं, फिर इसको ग्रेवी बनाते हैं। दोस्तों टमाटर पूरा मेल्ट हो गया है, पूरा भुंजा गया है मतलब। इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे और इसमें ग्रेवी बोलते हैं कि ग्रेवी बोलते हैं पता नहीं, हम लोग तो ग्रेवी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? झोल बोलते हैं हम लोग का अपना भाषा में, झोर। आप लोग क्या बोलते हैं अब बताइएगा? और थोड़ा झोर ले पानी, पूरा झोरे झोर। तो ये जब उबल जाएगा दोस्तों तब हम लोग जो फ्राई करा मछली जो वहाँ रखे हैं उसको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हम लोग जो जिस प्रोसेस से बना रहे हैं आप लोग भी उस प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हम लोग तो आज लकड़ी में बना रहे हैं, मतलब बहुत एक्साइटेड है इसको खाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, किरण खा खा के पूरा आधा कर दी है। देखो ये देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग मछली को डाल दिए और इसका फाइनल लुक आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और अभी हम लोग जो बड़ा धनिया डालेंगे अभी ये देखिए, ये छोटा मोटा। तो देख सकते हैं धनिया पत्ता भी डला गया है। तो चलिए गाइस हो गया है, अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों कैसे लगता है। चलिए किचन में बन गया है तो ले आए हैं, तो इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए
और कमेंट करिए कि हम लोग कैसे बनाए हैं, और आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है हम लोग जो प्रोसेस में बनाए हैं। पूरा पानी निकल जा रहा है खाने के लिए, चूल्ही का तो ज्यादा टेस्टी लगता है। पानी निकल जा रहा है, ये देखो बेबी को पानी निकल जा रहा है मुंह में। बाल्टी रख दे क्या नीचे? नहीं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस खाने के लिए चलते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए, हेलो हेलो दोस्तों, आप लोग देखिए खाना हम लोग का बढ़ चुका है, तो चलिए हम लोग खाने के लिए बैठते हैं। अरे सलाद, ये देखिए सलाद, प्याज खरीदे। तो गाइस देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना, वाओ। और बच गया है मछली, उसको सुबह खाएंगे। ये सुबह का बरबट्टी है, सुबह का बरबट्टी और चटनी। तो गाइस चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं खाना। तो गाइस चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, और कैसे लगता है टेस्ट करके हम आप लोगों को बताते हैं। मेरा कौन सा है? आपका? अरे ये आपका है। नो, ये मेरा है। खाइए ना कोई चीज को भी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, 0 बहुत टेस्टी बना है। वाव, कांदा, हम लोग कांदा भी बोलते हैं, प्याज भी बोलते हैं, मछली का मुंडी। वाव, एक नंबर, बहुत यम्मी लग रहा है। तो दोस्तों आराम से आज खाएंगे, पूरा मन लगा के कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। और खाना खाने के बाद हम नाइट ड्यूटी जाने वाले हैं, तो आराम से ही खाएंगे आज, बहुत लेट तक खाएंगे। लकड़ी चूल्हा में जो गैस बना है उसका टेस्ट पूरा अलग ही लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। क्या बोलती है, आपको कैसे लग रहा है? आपका बाल तो बेटा बाल नहीं है, बाल का दुकान है, बाल का दुकान है। आपको कैसा लगा खाना? तो बहुत ही टेस्टी लगा। आपको वीडियो देख के कैसा लगा आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगा रहेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने हिसाब से। और चैनल में नए हैं, वीडियो नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।